वेलकम बैक, सारे का फिर स्वागत है। गल हो रही है एक ब्यूटीफुल यंग एंटरप्रेन्योर नाल, इवानी लांबा। सो इवानी, वी वर टॉकिंग अबाउट कि तुसी अपना सैलून दे बारे दसो कि है कित्थे एंड व्हाट ऑल यू डू देयर। तो शनाज फ्रेंचाइज का सैलून है हिक्सल में, लॉन्ग आइलैंड पे, ठीक अपना बाजार के साथ ही सेकंड फ्लोर पे। वी प्रोवाइड ऑल सर्विसेज फ्रॉम फेशियल्स, वैक्सिंग, हेयर कट, कलर, हाइलाइट्स, जो आप सोच सकते हो हम करते हैं वहाँ, सब कुछ करते हैं। अच्छा, जैसे आपने मेरा मेकअप किया, यू नो, एंड यू आर टॉकिंग कि यू आर द ओनली फ्रेंचाइज ऑफ शनाज। मैंने बड़ी बारी कईयों को सुना है कि यू नो शनाज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो व्हाट इज दैट। तो शनाज के ना प्रोडक्ट्स हर जगह खरीदे जा सकते हैं, आप इंडिया से मंगा सकते हो, हर जगह से, बट हमारी एक्सक्लूसिविटी ये है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स शनाज से डायरेक्ट आते हैं। शनाज का के बहुत डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनते हैं आजकल, बहुत सारे, और कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि असली क्या है, नकली क्या है। इसे जब आप ट्रेनिंग लेते हो, शनाज दिखाती है असली और नकली में फ़र्क क्या है। इफ़ यू लाइक एक चीज़ है, अगर उसका सिल्वर टैब नहीं लगा उसके ऊपर, मतलब नकली है। सिल्वर टैब ही उसकी आइडेंटिटी है कि ये प्रोडक्ट शनाज से आया है। एंड यहाँ पे तो और भी थोड़ा होगा कि यू नो FDA अप्रूव्ड होना चाहिए एंड ऑल दैट, सो यू गो थ्रू दोस प्रोडक्ट्स, हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। यस, दे हैव टू, सारी प्रोडक्ट्स वहीं से ही आने हैं। तो जब यहाँ लैंड होते हैं सारे प्रोडक्ट्स, कस्टम्स की चेकिंग होती है, आप FDA के सारे पेपर वर्क देते हो उनको कि ये सारा कुछ क्लियर है, हम यहाँ लेके आ सकते हैं। जैसे शनाज की अभी गोल्ड लाइन निकली है, उसका FDA अप्रूवल नहीं हुआ। अच्छा। तो उस वजह से हमें निकालना पड़ा, क्योंकि हम लोग को फॉलो करना है रूल्स के हिसाब से, हम सब कुछ फॉलो करते हैं। बहुत क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास कि ये प्रोडक्ट मैं इंडिया में यूज़ करती हूँ, मुझे ये चाहिए, हमें नो बोलना पड़ता है क्योंकि हम रख ही नहीं सकते। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स हैवंट, अप्रूवल नहीं मिली यहाँ के लिए। सो मतलब डबल चेकिंग होगी आपकी तो। हाँ जी, प्रीटी मच, पहले वहां से हुई हुई है, अब यहाँ पे यू नो रिगरस प्रोसेस। बट अच्छी बात है क्योंकि फिर कस्टमर्स को पता है कि उनको क्या मिल रहा है, ऑथेंटिक है सब कुछ। और इवानी, आई वाज वंडरिंग लाइक, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि व्हाई नेचुरल, ठीक है, इट्स क्विकर कि हाँ जी लगा लिया, ये मिलता है, चीपर है, कुछ है, लोग यू नो हो सकते हैं, लेकिन व्हाई डू यू थिंक कि नेचुरल या मोर हर्बल इज इन ट्रेंड आल्सो बट इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाई डू यू थिंक? बिकॉज लॉन्ग टर्म के हमें पता है कि ये प्रोडक्ट्स का क्या बनेगा, केमिकल्स डालते हो स्किन पर, लॉन्ग टर्म का आपको इतने रिजल्ट्स का पता नहीं है। हाँ, उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पर लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज भी हो सकती है। हर्बल के साथ आपको पता है सारा कुछ नेचुरल जा रहा है स्किन पे। तो और एक और चीज़ है, जब फेशियल करो शनाज का, सारा हाथ से होता है। तो आपको पता है स्टिम्युलेशन कैसे हो रही, कोई मशीन नहीं लग रही, कुछ नहीं। तो सारा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए हमें पता है कि हम स्किन के लिए अच्छा कर रहे हैं। वाओ, बिकॉज़ या टुडेज एरा कितना कुछ तो हमारे अंदर कंज्यूम कर रहे हैं हम, व्हिच वी डोंट इवन नो इज हार्मफुल फॉर अस, एंड स्पेशली व्हेन यू नो एंड हर्बल इज ऑल टाइम फेवरेट यू नो सबका के, यू नो उसमें तो क्या गलत हो सकता है, you know, unless कोई particular चीज़ तुम्हें नहीं, एलर्जी अगर किसी चीज से है, नट से, ऐसे लाइक कोई भी एलर्जी होता है, तो हम पहले पूछते हैं फेशियल से पहले कि आपको कोई एलर्जी है, क्योंकि जो शनाज का शा स्क्रब है उसमें वॉलनट्स होते हैं। तो अब किसी को वॉलनट की एलर्जी होती है तो पूछना पड़ता है, क्योंकि आपको लेटर ऑन कस्टमर शुड नॉट, उनको कोई हार्म नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट से। सो यूजुअली आपने देखा कि एलर्जीज मच लेसर है। हाँ जी, जरूर, देन द अदर प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, बहुत बढ़िया। सो टेल मी मोर अबाउट यू नो सर्विसेज जब आप करते हो, जैसे कैसे लेते हैं हिक्सविल में आपने कहा आपका स्पा, सो पीपल हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, या हाउ डज इट वर्क, यू वर्क ऑल डेज, व्हाट हैपेंस? सो वी आर ओपन 6 days, 6 दिन हम खुले हुए हैं, बट ये है कि अगर अपॉइंटमेंट लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सर्विस मिलती है। जब अपॉइंटमेंट के बिना हो, अगर हम फ्री है, हम ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कोशिश यही है कि हर बंदे को खुश रखना है, तो उसके लिए वेट टाइम कम होना चाहिए। अपॉइंटमेंट के साथ आओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जब कस्टमर बैठा होता है बुरा लगता है अपने आप को कि नहीं ये गलत है। एवरीबॉडीज टाइम इज इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली, सो यू नो इट्स बेस्ट। लेट्स सी कोई हमें क्या कह रहा है, इवानी से क्या मिलना चाह रहे हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल अरविंद जी, मैं गुरदीप सिंह बोल रहा हूँ जी। गुरदीप सिंह जी, वेलकम, दसो की कहंदे हो, इनका नाम क्या है, शिवानी या शहनाज? इवानी, ई तो इवानी। हाँ जी इवानी जी, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते जी। आपका काम जो
बिजनेस खोला है, इसकी दुकान न्यूयॉर्क में है या पूरे अमेरिका में फैला हुआ है? अगर आदमी को जाना हो तो उसके लिए भी है कोई प्रोविजन, जाना सिर्फ लेडीज के लिए है? नहीं जी, हम लोग यूनिसेक्स है तो आदमियों के लिए भी होता है, औरतों के लिए भी। अभी के लिए तो हम सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं, बट देखो जी एक दिन और खोलेंगे। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहूँ, शहनाज नाम ही ऐसा है, मुझे पाकिस्तानी बिगेस्ट फेमस प्लेयर हॉकी प्लेयर का नाम भी शहनाज है, वो बहुत, जिसको मैंने 67 या 68 के पास खेलते हुए देखा था तो मैं उसकी खेल का दीवाना हो गया था। आज शहनाज आपके प्रोडक्ट का नाम है और उस प्लेयर की मुझे याद आ गई। उसी तरह आप भी तरक्की, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये मैं आपको दुआई दे सकता। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल तुसी सही पूछा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ही इज आस्क्ड के मेन विमेन दोनों वास्ते, हां जी, सो मेन बंदियां वास्ते भी केड़े प्रोडक्ट्स या केड़ियां सर्विसेज हैगियां तुसी सोचदे हो के तो जो हमारे ज़्यादातर सारे सर्विसेज हैं मेन की तरफ भी हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि स्किन अलग होती है, बट फेशियल्स, वैक्सिंग, हेयर वॉश, कलर सारा कुछ करते हैं। हाँ जी, सो स्किन केयर में वानी कोई स्पेशल टिप है कि यू नो बिकॉज यूजुअली वी स्टिल डू इट, यू नो कहते हैं असी कि वी डोंट पैम्पर आवरसेल्फ, बट वी स्टिल हैव अ कल्चर दैट यू नो मेन ज्यादा जानते नहीं। सो डू यू वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट यू नो दे शुड डू टू? मैं तो बड़ा बोलती हूँ कि सारे आदमियों को आना चाहिए क्योंकि आपकी भी स्किन है। एक दिन ये ना हो कि आपकी वाइफ आपसे यंग लगे और आपके रिंकल्स होए। बट हमारे पास बहुत ऐसे कस्टमर आते हैं जो पूछते हैं कि ये अजीब है कि आदमी करा रहा। हम बोलते हैं नहीं, नहीं, of course. आज की सोसाइटी में ये नॉर्मल हो चुका है। आदमी आईब्रो भी कराते हैं, फेशियल्स भी कराते हैं। आपने हेयर कट कराना औरत के साथ करो या आदमी के साथ, सेम है, सर्विस वही मिलेगी आपको। ऑफ कोर्स वो एक्सपर्ट्स को पता है कि द प्रोडक्ट्स आर लिटिल डिफरेंट। वो भी जब आप आते हो हमें स्किन पहले ही देखते हैं, तो ये नहीं है कि आप मर्द हो तो आपके लिए एक ही फेशियल है। right. सारे फेशियल है, पर हमें देखना है आपकी स्किन के साथ क्या अच्छा चलेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो गल कर दी है, जिवे कि स्किन केयर। So you were saying you did cosmetology and then you then aesthetics. Aesthetics too. So tell us something about the skin care or you know some tips, like because jive assi era di gal karde ha, culture di gal karde ha, cosmetology bahut important hai ajkal. We all, you know, mere khayal jadon vi tusi dekho we keep watching those videos which definitely is not a good idea, you know. But still inna zyada trend ho gaya us cheez da ki assi we want to know more, we want to know more. So what about skin care? Do you have some tips on that? Definitely. Jo sabse number one tip main apne sare customers ko deti hu ki स्क्रबिंग हर रोज नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप स्किन की एक लेयर को एग्रेवेट कर रहे हो। क्लेंजिंग हर रोज करनी चाहिए बट स्क्रबिंग नहीं। स्क्रबिंग 2-3 दिन बाद वेरी गुड क्योंकि तब तक बिल्डअप जम जाता है, बट हर रोज अगर आप मेकअप उतारते हो, मेकअप के बाद क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। क्लेंजिंग बड़ी सॉफ्ट होती है, स्क्रबिंग बहुत रफ होती है। तो जितना आप घिसेंगे अपने स्किन को वो उतनी पील होती जाएगी। तो यू हैव टू मेंटेन बैलेंस उसके बीच में रखना पड़ता है। और जो आंटियां मेकअप के साथ सोती है उनको तो प्लीज मेकअप उतारो, रिंकल्स ज्यादा पड़ते हैं मेकअप सोने से। नो इवानी, यू राइट कि स्क्रबिंग हम व्हेन वी वर यंग लाइक यू, हमने स्क्रबिंग वाले जो फेस वॉशेस सुने भी नहीं हुए थे। ये बड़े रीसेंट है। हाँ जी। यू नो विद ऑल दोस एक्सफोलिएटिंग दिस थिंग, सो यू राइट, सो बार बार जो एवरीडे एक्सफोलिएटिंग वाले क्लींजर्स हैं वो नहीं यूज करने चाहिए। जिसके ऊपर स्क्रब लिखा है वो आपने हर 2-3 दिन में चलो ठीक है, बट क्लींजर जो सॉफ्ट होता है बिना एक्सफोलिएंट का वो हर रोज यूज होना चाहिए। सो यू थिंक यू शुड ऑलवेज वॉश आफ्टर मेकअप? यस। तो मेकअप उतारने के बाद थोड़ा सा रह भी जाता है, अगर आपको है मेकअप उतारो, क्लींजर से धो, और एक बाउंटी लेना, वो आपको दिखाएगा कितना उतरा मेकअप रिमूवर के बाद भी। तो उसके बाद फिर धो लिए, फिर बस रिंस करना है। रिंस करना or moisturize, very important is moisturizer, moisturizing. So definitely we will keep talking more about, you know, more tips, because hum as well as jehde sadi viewers hege oh kafi hun assi Ivani nalo jyada meri age de hege, so we'll definitely look for some tips which are for aging skin, you know, assi eh fayda zarur eda laha zarur uta lao, tusi call karo te ede nal gal karo, lendi ek choti ji break. So wonderful, Ivani. Thank you so much for having us. And Saryan da fir swagat hai wapas show de utte.
ਇਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇਵਾਨੀ ਲਾਂਬਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਇਵਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਯੂ ਨੋ ਜਿਮੀ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸ਼ੋਅ ਦੈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਡੀ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਲੁਕਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸੀ ਦੈਟ। ਬਟ ਇਵਾਨੀ ਮੀਨਵਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜਿੰਗ ਸਕਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਫੋਰ ਏਜਿੰਗ ਸਕਿਨ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਰ ਗੁੱਡ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜੋ ਸਕਿਨ ਕੋ ਫਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੋਲੇਜਨ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਮੇਂ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਵੋ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਮੇਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂ ਵਰ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ, ਸੋ you know this one you said is really good, mm-hmm. So tell me more about this. So this is the pearl mask. Isme pearl ke dust ke particles hai, to ye kya kehte, this is for brightening and tightening of the skin. So kya hota hai ki is product ke sath aap lagayenge aapki skin ekdam tight ho jayegi, like aap bol hi nahi payenge isko laga ke. Haan ji, but jinke skin pe nishan bhi pad jate hai na dhoop se, to ye usko bhi pinpoint karta hai, dark spots and all, sun spot, yes. Oh, yes. Okay, so pearl is good, it's a good mask. So sabnu eh vi yaad kara diye, jo products di gall assi hune kar rahe aa, aur discount agar tusi hune order kar dende ho, you will get just Punjabi da discount, they will, yes. No, haan ji, so, no, this is wonderful, because you know ohi main tonu pehle vi zikr kita ki chote hunde to assi Shehnaaz Hussain nu, Gurdeep ji te pata nahi kisi hor Shehnaaz nu yaad kar rahe ne, but Shehnaaz Hussain was such an icon. Mm-hmm. Growing up, like, you know, that she has the best brands and most safe, yes, in handy cosmetics. So hun te khair everybody talks about that. So tell me more about the mask, you know, how, so why do we have this Oxygen Plus? So Oxygen Plus is jaise abhi le lo, aapki skin bahut dry lag rahi hogi abhi, kyunki temperature aise ho chuke hain ki aapko dryness ho jati hai. To Oxygen Plus se un logo ke liye jinko ड्राइनेस है बहुत स्किन में, पूरा मॉइस्चराइज कर देता है स्किन, और इसमें छोटे से ना ब्लू बबल्स होते हैं, अच्छा, वो आप स्किन पे लगा के पॉप कर देते हो, अच्छा, तो वो उसी एरिया को मॉइस्चर देता जाता है। ओह वाओ, यस। और इसके साथ इसकी क्रीम भी है जो मास्क के बाद आप लगाते हो। अच्छा, सो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग मोर ऑक्सीजन टू योर स्किन। यस, वाओ, दैट्स अमेजिंग, माय गॉड। सो यू नो देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स यू हैव गॉट, एंड ये है, ओह, that's world renowned. Absolutely, you know, ek do cheeze jo hum bade hue hain iske products se is henna, yep, and then kajal, and then gold mask. Yes, you recently talked about it. So this is henna, Shehnaaz ki famous. Absolutely. So Shehnaaz henna, to ye kuch khana khas tarika hai isko lagane ka, ya it's better to go to you bedroom? It's better to come, but bahut log hote hain jinke paas time nahi hota, to wo ghar pe bhi lagana chahte hain. To ye actually Shehnaaz ki original henna hai, but hum Shehnaaz ka color veda bhi bechte hain jo ab nayi mehndi aayi hai. Achha. Wo aap blackish brown mein bhi kar sakte ho, to ye nahi hai ki aapne hamesha orange rakhne hai. Right. Ab ek nayi technology se unhone ek aur mehndi banayi hai jo aap blackish brown mein bhi laga sakte ho. Achha. But dono ki ek hi hai ki aapne इस मेहंदी को रात को भिगो के रखना है स्टील के बोल में, अच्छा, और अगले दिन लगाना है, तो रात को उसकी सारी एंटीऑक्सीडेंट्स बाहर आते जाएंगे। सो इवानी टेल मी, मेहंदी इज जस्ट फॉर कलरिंग और यंगस्टर्स? आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई यूज्ड टू लाइक पुट मेहंदी ऑन, इट्स अ गुड कंडीशनर टू। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो बहुत हमारे पास जो बच्चे आते हैं जिनको नरिशमेंट चाहिए बालों, right, की सॉरी, हम उनको बताते कि रेगुलर हैना लगाओ, रेगुलर हैना नहीं तो कार्नेशन पाउडर है जो बिना उस रेड कलर के है। अच्छा, सो रेगुलर हैना हम दूसरा कर सकते हैं, विच वन? राइट देयर, हाँ जी, इसके पीछे, या ओके, दोनों की एक ही शक्ल है, पर उसमें रेड टिंट आता है, इसमें रेड टिंट नहीं आता। तो ये सिर्फ, जैसे मेरे बाल ब्लॉन्ड है, मैं ये लगाती हूँ बालों में नरिशमेंट के लिए, पर मैं वो नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मेरे बाल ऑरेंज हो जाएंगे। So this will stay, jaise color hai waisa hi rahega. That's perfect, but it will condition. Yes, fully. Same properties dono products mein, but usme gray coverage hai. Isme gray coverage nahi hai. Ah, got it, got it. So this is wonderful actually, kyunki hai na ki hum sab, you know, Indian population, just for conditioning, because my daughters, I was telling you, is just your age. So she likes to put something, you know, because aajkal jo aapne sahi kaha ki dry skin, dry hair, what we are eating and the heat we are in,
या वो बहुत ड्राई कर देता है, तो इसके लिए ये दिस इज गुड. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गल्लां हैं चिड़िया के इवानी नाल करण वालिया ने. एंड लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक. यू डोंट गो एनीवेयर एंड कीप कॉलिंग. वी कैन स्टिल टेक लाइव कॉल्स फॉर यू. Welcome back. We are talking to Iwani Lamba, and thank you so much for being here once again. I'm so excited that, you know, thinking about these natural herbal things and coming from a young mouth, because mostly, to be honest, मुझे जो आपकी वाली जनरेशन से ना कई बार कंप्लेन होती है कि बहुत सारा प्रोडक्ट लगाते हो, बहुत चीजें करते हो यार, क्या जरूरत है, तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है. जी. हमारी स्किन की हिस्से जैसे आई वॉज टेलिंग हर अबाउट, यू नो, आपको बता रही थी मैं कि पफी आईज के लिए. हाँ जी. सो व्हाई डोंट यू टेल ऑल माय व्यूअर्स कि पफी आईज के लिए क्या करना चाहिए, एंड यू नो एजिंग स्किन के लिए वी नीड मोर टिप्स. हाँ जी. तो दो तरीके हैं. एक है शनाज का शाह मिल्क, जो एक अंडर आई लोशन है जो आप लगाते हो रात को. अच्छा. और आप सोते हो उसके साथ. एक क्विक टिप है. हाँ जी. एक क्विक टिप है, वो है टी बैग्स. चाय पत्ती लो, गर्म पानी में डालो, निकालो, ज़्यादा गर्म भी नहीं, रूम टेम्परेचर तक हो, और आँखों पे बस रेस्ट कर दो, सेक लेते रहो, और फिर उतार के 10 मिनट बाद मेकअप लगाओ, आप फर्क देख लेंगे राइट अवे. रियली? यस. आई शुड डू दैट. सो दिस, यू नो, टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स, आपने कौन सी मिल्क बोला इसमें, डू वी हैव दैट? नहीं, इस वाले पे नहीं थी. ओके, बट दैट्स कॉल्ड शाह मिल्क. यस. ओके. एंड यू नो आपके जो कई स्पेशली यंग गर्ल्स एंड एवरीबॉडी, डेंड्रफ बड़ी इशू है. यस. एंड वो जो सेल्सन टाइप के यू नो शैम्पूज हैं, दे जस्ट किल योर स्कैल्प. दे सो केमिकली स्ट्रॉन्ग. और वो जैसे आप रोकते हो वो फिर और आ जाता है. राइट. बिकॉज़ दे ड्राई द स्कैल्प सो मच. सो व्हाट डू यू रिकमेंड? तो शनाज का एक आर्निका लाइन है. तो ये आर्निका हेयर ऑयल है. तो इसको आप रात को लगाते हो सोने से पहले. सोने से पहले इसीलिए है क्योंकि रात को जब आप सोते हो ना, आपकी बॉडी टेम्परेचर पीक पॉइंट में पहुंचती है. क्योंकि आप जैसे छोटे बच्चा होता है, आप पूरे कर्ल्ड अप होते हो, तो उससे क्या होता है, पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है बालों में. तो ज़्यादा प्रोडक्ट स्कैल्प के अंदर जा रहा होता है. तो आप ये रात को लगाओ, अगले दिन सुबह धो दो या रख लो. तेल है तो धोना ही पड़ेगा, बट कुछ लोग हैं जो रख लेते हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से. एग्जैक्टली. सो ये हम बोलते हैं ये सारे एजेस के लिए ठीक है. हमारे पास दो दो तीन तीन साल के बच्चे भी आते हैं जिनको स्कूल के कारण हो जाता है. right. तो हम ये रेकमेंड करते हैं. इसके साथ शैम्पू भी है, तो आपको कंडीशनर की जरूरत ही नहीं है. कुछ लोगों के पास होते हैं जो बाल गिर ही जाते हैं, लाइक उनका है ही ऐसा. right. तो आपको कंडीशनर इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बालों को सॉफ्ट करके कंघी मारो ना, वो और निकाल देगा, ब्रेकेज होएगी. तो हम रेकमेंड करते हैं ऑयलिंग करो रात को, अगले दिन सिर्फ शैम्पू से धो, आर्निका शैम्पू से. So we have shampoo right here, and so very nice, Anika. So at least हमें Anika oil का, शहनाज का तो पता है ना, authentic है, उन्होंने सही तरीके से बनाया हुआ है. So at least we are sure. और ये नहीं कि आप ये रोक के आपको और होएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. ये आप use करते रहो, रोक भी तो कोई बात नहीं. हाँ. और ये पहले ही ट्रीटमेंट में आपको फर्क नजर आएगा. हम लोग हेयर ऑयल का क्या कहते हैं, हम लोग हॉट ऑयल स्कैल्प ट्रीटमेंट करते हैं शनाज के 5 ऑयल्स के साथ. अच्छा. वो हम सलोन में करते हैं, और होम केयर के लिए हम ये बोलते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस सलोन आओ कराओ और वो ही चलेगा. आपको मेंटेनेंस रखनी पड़ती है अपने साथ. right. तो वो आपका मेंटेनेंस ऑयल है जो आप ट्रीटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हो, अलग से भी यूज कर सकते हो. That reminds me, Iwani, कि आजकल सारे जो हेयर है, they are treated. You know, they are either colored or, you know, we've done something with our hair. Of course. So keratin है या कुछ भी है. So do you recommend कि उनको भी oil massage वगैरह करानी चाहिए? बहुत जरूरी है बालों के लिए. मैं खुद ब्लीचिंग करती हूँ और बाल टूटते हैं. जितनी भी आप कोशिश करो बाल टूटेंगे, क्योंकि आप सारा कलर एक निकाल के और कलर डाल रहे हो. बट उसको अवॉइड करने के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है. और यह आपने ये भी देखना कि कैसा ऑयल है. ब्लॉन्ड बालों पे कोकोनट ऑयल नहीं चढ़ता. अच्छा. क्योंकि बाल इतना फ्रेजाइल, कोकोनट ऑयल भारी होता है. okay. तो आपने ये देखना कि आपके बालों के हिसाब से क्या सही है. हर चीज़ नहीं डाल सकते आप ऐसे. So, आप जो कह रहे हो अपनी कि शहनाज के 5 ऑयल्स के साथ, that's recommended for most people? Yes, that's recommended for all because those are very light oils. The way कि कोकोनट ऑयल का क्या है, थिक है, तो बालों में अच्छे से लग जाता है. ये थिन है तो ये हमें गर्म करके लगाना पड़ता है और मसाज देते हैं साथ साथ. तो हमें पता है कि प्रोडक्ट अंदर जा रहा है, कोई क्लॉग नहीं हो रहा, कोई ऊपर सरफेस पे नहीं बैठा. हम पूरा मसाज करके हॉट कैप बना देते हैं. परफेक्ट.
Great. Let me take a short, quick break and get back to you. Welcome back, and everyone, welcome to all of you. ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਆਰ ਕਿਡਸ ਗੈਟ ਐਕਨੇ ਅਲੋਟ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੀਨੋਪੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਐਕਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਫੋਰ ਇਟ ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਿ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਪਸ ਐਕਨੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਤੋ ਇਸ ਮੇ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਔਰ ਸਿਨੇਮਨ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਐਕਨੀ को एकदम ड्राई कर देता है ऊपर से अच्छा। तो वो क्या कहते हैं सिर्फ उसी एरिया को आप कोई एक्ने प्रोडक्ट यूज करें वो पूरी स्किन को ही ड्राई कर देता है वो नहीं करता ये वही टारगेट करता है जहाँ पर आपकी एक्ने है अच्छा और दिस इज अनदर all day gel you were telling yes. me even this is for it's for all day but main recommend karti hu ki raat ko lagao spot treatment ki tarah to wahi wahi lagao jahan par acne nikli hai to wo kya karta hai wo ekdam hit karta hai ki wo pus ko kam kar deta hai that way wo risen ke bajaye flat hoke ekdam chale jaye okay so like you know I break up on my chin a lot yes. so that's just put it on the spots yes and leave it sleep with it because agar aap din mein lagayenge aapka foundation cakey ho jayega wo lagega ki laga hai raat ko lagao clean skin pe best rehta hai that's a great idea ki wo dry bhi ho jayega aur you know you are not facing that ki oh ye kya ho raha hai haan ji tumhare haath bhi nahi jate morning mein laga ke baar baar raat ko aap so jate ho bas so how about this one this is a तुलसी नीम फेस वॉश तो ये वो मैं क्लेंजर का बता रही थी ना पहले हर रोज रात को ये क्लेंजर की तरह यूज करो तो ये आपकी स्किन को एकदम फ्रेश कर देगा सुबह यूज कर सकते हो या रात को इट्स जस्ट अ फेस वॉश तो कोई अग्रेसिव नहीं इसमें एक्सफोलिएंट या ऐसे कुछ तो आप सुबह भी यूज करो शाम को भी कोई इश्यू नहीं होगा इसके साथ सो ट्वाइस अ डे भी कर सकते हो हाँ जी क्योंकि इसमें कोई एक्सफोलिएंट नहीं है बहुत लाइट है तुलसी नीम है freshen up karne ke liye hai skin so this is recommended for all types yes oh. tulsi neem is for all types oops acne was mostly for acne skin acne I wouldn't use that for face wash aap basic use kar sakte preventive care ke liye jo bachche bhi bade ho rahe hain unko acne thodi thodi shuru ho rahi hai fir aap face wash iska use kar sakte ho okay that's great so aur sare jo acha usually kya recommend karte ho pehle face wash kar lo acne jab specially hue aur Anji. uske baad fir tum acha moisturizer because your skin feels so dry to acne ke sath ye hai ki aap koi bhi moisturizer nahi use kar sakte aapko acne ke liye hi use karna hai kyunki kya hota hai ki aap moisturizer laga do jo aapne abhi kiya hai wo cancel ho jata hai uska koi fayda nahi hai to shanaz ka ek hai shah silk product to wo kya karta hai wo ekdam skin ko this is shah clove this is the mask I think next to it is shah silk हाँ जी तो ये है ऑयली स्किन के लिए तो ये मॉइस्चराइज करता है बट ओवर मॉइस्चराइज नहीं करता ओके और इसके साथ है शाताज जो ड्राई स्किन के लिए तो दोनों प्रोडक्ट्स के अपने अपनी मिशन है अपना ट्रीटमेंट है सो मतलब यू नो दे आर डूइंग डिफरेंट स्टफ हाँ जी सो ये प्रोटेक्टिव क्रीम फॉर ऑयली स्किन बोल रहे हैं हाँ जी सो है ऑयली है लेकिन लिटिल oily skin ke liye that we oil kam kare jab aap ek over moisturizer use kar dete ho skin ko aur oily kar dete ho to koi fayda hi nahi uska ye ekdam subtle hai so that way zyada greasy bhi nahi lage but dry bhi nahi lage kyunki acne products hai hi dry perfect thank you so much Ivani I think this my viewers are all just watching you and they all interested because hum sare bahut always curious hote hain ki you know skin care ke liye makeup ke liye they must be watching eagerly ki kya ho raha hai aur kya aap jo tips de rahe hain I'm sure people are writing them down Haanji. so any other you know message you would like to give to the viewers because I'm so grateful that you are here and you did this beautiful makeup so I know I can look this good thank you ji thank you for having me no that's and wonderful and you know aap jaise young entrepreneurs Galbaat is a big supporter of people who create jobs yes. who create jobs who are creative and who take independent ke okay ji maine jaake khali job nahi karni let me just start my own business yes which is you know we really appreciate that so anything you would like to tell our viewers today I would like to thank viewers aapne aaj ye show dekha thank you aapka bahut प्लीज़ अगर आप मेरे पास नहीं आते तो किसी और सलोन जाओ पर अपनी स्किन की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी नहीं आपको लगेगा बट कुछ साल बाद आपको फील होएगा कि हाय मैंने किया हुआ है
बट अभी बहुत जरूरी है. राइट एक्चुअली हम लोग हमारे इससे सुनो हम सोचते हैं कि वो पहले से ये किया होता. You know, and regret is more painful. Yes, better safe than sorry. Hard work, yeah. That's true. So thank you so much, viewers, for joining us, for watching this, and for a lovely episode. And you know, the special thing that you've been telling me, and I have all my tips for my puffy eyes. You know, जो आपने बताई है tea bags wali. So I've noted them down, and I'll let you know. Please do, please. So thank you so much. Thank you, ji. Thank you. Really take care of yourself, और आप भी अपनी पूरी take care करो. यही इवानी कह रही है कि you know अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखो, and आज के लिए सब श्रेष्ठ.